हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गणेश उत्सव चल रहा है आजकल, गणेश जी के लिए भोग में लगाने के लिए आज हम बनाएंगे रवा मोदक, सूजी भी बोल सकते हैं, सूजी मोदक बनाएंगे। मोदक तो कई चीज़ों से बनता है, लेकिन आज हम आपको रवा मोदक बना के दिखाएंगे। इसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। पैन में आप घी या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। इसको हम गरम होने देंगे अच्छे से। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम सूजी को डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे अच्छी खुशबू आने तक। सूजी में हम साथ के साथ इलायची कूट के डाल देंगे, आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बस हमको 1 मिनट और इसे भूनना है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है सूजी का। सूजी हमारी अच्छे से भून गई है, अब इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध को हमने एकदम बॉयल कर लिया है, आप देख सकते हैं सूजी का जस्ट डबल हम दूध डालेंगे और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी का हाफ चीनी। अब इसे हम थोड़ा सा एक डो बना लेंगे। थोड़ा सा हम येलो फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे ताकि देखने में हमारे मोदक अच्छे लगे येलो येलो। कुछ पिस्ता के टुकड़े हम डाल देंगे इसमें, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अभी अच्छे से हम पका लेंगे, आप देख सकते हैं। इसको हम 1 मिनट और इसको जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सूजी को पहले निकाल लें उसके बाद दूध में ऐड करें, नहीं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब हमारा डो तैयार होने वाला है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा तैयार हो गया है, इसको हमने हाथों से थोड़ा सा मसल लिया है। आप इस तरह से मसल लें। अब हम चलते हैं मोदक बनाने। मोदक हम किसी मोल्ड से नहीं बनाएंगे, मोदक बनाने के लिए हम जो है हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये हम टूथपिक लिए हैं, आप भी इसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा अपने साइज के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप इस तरह से पहले इसको रोल कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा बना देंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से नुकीला ऊपर कर देंगे, शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से आप बिना मोल्ड के बना सकते हैं। इसी तरह से हम सभी मोदक को बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मोदक बना लिया है, कितना अच्छा शेप दिया है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो एक एक पिस्ता से आप गार्निश कर सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर हमारे मोदक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक बार बना के ट्राई जरूर करिएगा। हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।